रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आसिफ जेब एम एल्टी वीडियोज़ डियर व्यूअर्स इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपने एक रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करनी है जो कि पार्ट वन था पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि वट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्शन ऑफ आ रिसर्च टॉपिक एंड विच स्टेप्स शुड बी फॉलोड इन आर्डर टू सेलेक्ट आर रिसर्च टॉपिक तो क्राइटेरिया में हमने छः पॉइंट्स डिस्कस किए थे जैसे रिसर्च टॉपिक एथिकल होना चाहिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए फिजिबिलिटी होनी चाहिए इसी तरह उसमें इनोवेशन होने चाहिए और रिसर्च टॉपिक रिलेवेंट हो तो ये था रिसर्च क्राइटेरिया फिर उसमें हमने फाइव स्टेप्स डिस्कस करने थे और उन फाइव स्टेप्स में पहला जो स्टेप है वो है ब्रेन कि आपने सबसे पहले ब्रेन करनी है सोचना है थिंक अबाउट योर रिसर्च टॉपिक्स आपने मुख्तलिफ़ टॉपिक्स सेलेक्ट करने हैं फिर इसके बाद हमने टॉपिक uh, जब आपने सेलेक्ट uh, की फिर हमने कहा कि इसको फर्दर रिसर्च करें देखें गूगल स्कॉलर पे पबमेट पे तो आपको और भी आइडियाज़ हो जाएंगे अबाउट योर रिसर्च टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि जब आपने लेट सपोज एक टॉपिक सेलेक्ट की फिर उसके बाद आपने उस टॉपिक को एक क्वेश्चन का शेप देना है क्योंकि अक्सर आपसे सवाल किया जाता है कि व्हाट इज़ योर रिसर्च क्वेश्चन तो रिसर्च क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है बेसिकली फ्रॉम योर रिसर्च टॉपिक जैसे फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ टीम बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस अब इससे फिर में रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करता हूँ। तो इसका रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनेगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टीम बेस्ड लर्निंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस तो ये रिसर्च क्वेश्चन इससे बना अब इस रिसर्च क्वेश्चन को आपने नोट राइट डाउन करना है फिर इसके बाद एक और स्टेप आता है कि आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन को सर्च करना है सर्च इंजन में लाइक गूगल स्कॉलर लाइक पबमेड तो क्या अब हम ये पूरे का पूरा जो रिसर्च क्वेश्चन है ये सर्च करेंगे या इसके लिए कोई और मेथडोलॉजीज़ है तो यस देर इज एन अदर मेथडोलॉजी कि आपने रिसर्च क्वेश्चन के थ्रू टॉपिक को सर्च नहीं करना आपने इस रिसर्च क्वेश्चन से कीवर्ड्स डिराइव करने हैं अब कीवर्ड्स क्या हैं कीवर्ड्स बेसिकली आपके जो रिसर्च टॉपिक है या जो रिसर्च प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट है उसमें एक खास हाँ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू आपने लिटरेचर रिव्यू करनी है अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा टॉपिक जैसे मैंने कहा कि एक टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टीम बेस्ड लर्निंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस तो इसमें से कुछ खास वर्ड्स होंगे जो कि आपके की वर्ड्स होंगे जिसके बेस पे आपने सर्चिंग करनी है तो इसमें एक है टीम बेस्ड लर्निंग ये आपका एक की है स्टूडेंट आपका दूसरा की है और परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है ये आपका तीसरा की है अब इस इन कीवर्ड्स को भी आपने फर्दर मोडिफाई करना होगा इसके साइनोनोम्स देखने होंगे कि इस तरह के और कोई वर्ड्स हैं कि नहीं हैं तो आपने उसके लिए कुछ आ, सर्च करनी होगी अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने दिया टीम बेस्ड लर्निंग तो उसमें मुख्तलि किस्म के साइनोनोम्स आ जाएंगे ग्रुप डिस्कशन आ जाएगा स्मॉल ग्रुप डिस्कशन आ जाएगा एक्टिव लर्निंग आ जाएगा ईवन लर्निंग आ जाएगा ठीक student, है स्टूडेंट परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स अब मुख्तफ़ किस्म के स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुट स्टूडेंट डिफरेंट हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट डिफरेंट हैं पैरामेडिक स्टूडेंट डिफरेंट हैं नर्सिंग स्टूडेंट डिफरेंट हैं स्टूडेंट स्टूडेंट्स हैं लेकिन इसमें आपने कैटेगराइज करनी है ठीक है डिपेंड अपान योर पॉपुलेशन कि आपके पॉपुलेशन कौन से हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं एम बी बी एस स्टूडेंट्स हैं पैरामेडिक्स स्टूडेंट्स हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं कौन से स्टूडेंट्स हैं तो आपने इसको फर्दर मोडिफाइड करना है और फिर उसके कीवर्ड्स के बेस पे आपने सर्च करनी है लिटरेचर रिव्यू करनी है तो नेक्स्ट जो टिप स्टेप था स्टेप देट वॉज बेसिकली शेपिंग ऑफ योर रिसर्च टॉपिक एज अ क्वेश्चन तो ये दिस वन दिस इज बेसिकली अ फोर्थ स्टेप ऑफ सर्चिंग योर रिसर्च टॉपिक इसके बाद जब आपने टॉपिक सेलेक्ट की तो एक और चीज़ जहन में रखें कि एक स्पेसिफिक टॉपिक या एक टॉपिक पे रिलाई ना करें जब भी आप अपने सुपरवाइज़र के पास जाते हैं तो जहन में तीन से चार टॉपिक्स रखें और फिर अपने सुपरवाइज़र को दिखा दें लेकिन बिफोर गोइंग टू टू योर सुपरवाइज़र आप अपने रिसर्च टॉपिक्स जितने भी हैं उसके बारे में फुल लिटरेचर रिव्यू करें फिर इसके बाद उसके पास अपने सुपरवाइज़र के पास जाएं और उनके सामने रखें पूरे के पूरे क्राइटेरिया जो कि हमने क्राइटेरिया की जो स्कोरिंग हमने की कि 15 टू 18 स्कोर के दरमियान अगर आपके रिसर्च टॉपिक फॉल कर रहे हैं तो इट मींस दैट योर रिसर्च टॉपिक इज़ अ बेस्ट रिसर्च टॉपिक फिर अपने सुपरवाइजर के पास जाएँ तो योर सुपरवाइजर विल देन सेलेक्ट योर टॉपिक क्योंकि आपका सुपरवाइजर बेहतर जानता है बनस्बत आपके फिर आपने उनको अपना इंटरेस्ट भी दिखाना है कि कौन से टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है तो ये था आज का टॉपिक सिलेक्शन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है रिसर्च प्रपोजल कि आपने एक रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनानी है टॉपिक आपका सेलेक्ट हो गया फिर इसके बाद हम रिसर्च प्रपोज़ल करेंगे एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपका जो टॉपिक है वो चेंज होता रहता है जितना आप सर्च करते हैं जितना आप सर्च करते हैं उतने ही आपके माइंड में और चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और अपने टॉपिक को रिफ़ाइन किया करें जितना आपका टॉपिक स्पेसिफिक होगा उतना ही बेहतर होगा और रिसर्च टॉपिक जब भी आप सेलेक्ट करें तो रिसर्च टॉपिक में आपकी जो रिसर्च है वो पूरी की पूरी जाहिर हो कि ये कौन सा मेथडोलॉजी वाला रिसर्च है इधर इट इज़ अ क्वालिटेटिव रिसर्च और इट इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च इसी तरह रिसर्च क्वेश्चन जो है वो भी जब आप बनाए तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि आया आपका रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है जैसे हम मिसाल लेते हैं उसी एक जो टॉपिक इफेक्ट ऑफ टीम बेस्ड लर्निंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अगर मैं इससे रिसर्च क्वेश्चन बनाता हूं कि वट इज द इफेक्ट ऑफ टीम बेस्ड लर्निंग ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस तो ये एक क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ हम जाते हैं अगर मैं ये कहूं कि हाउ टीम बेस्ड लर्निंग इफेक्ट्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस तो ये फिर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ मूव करते हैं तो ये था आज का हमारा टॉपिक उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ वालेकुम अल्लाह हाफिज़